नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस वीडियो में आप तीन स्लीव के डिजाइन एक ही साथ देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाली स्लीव हमने ली है, लंबाई 8 इंच और 3 इंच पर दिया है आर्म होल की गोलाई और इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद ऊपर से हमने छोड़ दिया है 1/2 इंच और ये वाला लिया है 3 इंच। 3 इंच पर इस तरह से डिजाइन करेंगे। तो 3 इंच पर हमने ये डिजाइन का निशान बना दिया है। अब हमें कपड़े पर रख के कट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से इसको अस्तर के ऊपर, कपड़े के ऊपर अस्तर को फैला कर रखेंगे और इस वाली जो डिजाइन ये बनाई है इस पर हमें सिलाई इस तरह से लगाना है। उसके बाद इसे कट कर लेना है इस तरह से। आप पूरे ही डिजाइंस पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद देखिए यहीं से हमें अंदर की तरफ इसे निकालना है। तो इस तरह अंदर की तरफ अस्तर को पलट दिया है, फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद देखिए पूरे अस्तर और कपड़े पर साइड से भी पूरे पर सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे। तो इस तरह से कट कर लेना है। अब हमें इस तरह से कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है। ये हम फ्रिल के लिए लेंगे। अब हमें इस कपड़े से फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रिल यहाँ पर हम इस वाली डिजाइन में 3 फ्रिल लगाएंगे, यानी 3 फ्रिल का ये डिजाइन होगा। तो बाहर ही हमें पहले फ्रिल को बना लेना है, उसके बाद इस पर लगाना है। तो ये हमने बना लिया है। अब नीचे वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है, क्योंकि उस साइड से अभी हमारा नहीं तैयार था। अब देखिए इस तरह से हम फ्रिल को लगा देंगे। तो ये एक फ्रिल हमने लगा दी है। अब इसी तरह से ये दूसरी ऊपर से लगेगी, इसके ऊपर तीसरी लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच दबाते हुए इसे रखना है। तो ये हमने तीसरी लगाई। अब इसकी सिलाई, अब देखिए यहाँ से लेस पहले लगाएंगे, फिर ये जो फ्रिल तीसरी लगाई इसकी सिलाई भी हमें कवर करना है, क्योंकि सिलाई वाला कपड़ा ऊपर से ही है तो ऊपर से दिखेगा। तो पहले इस पर इस तरह से हमने लेस लगा दिया। अब ये पट्टी बना ली है इसी कपड़े की। तो पट्टी यहाँ पर चाहे सीधे कपड़े पर लें चाहे और एक कपड़े पर लें, दोनों ही चलेगी, क्योंकि सीधा ही तो लगाना है। तो इस तरह से हम पट्टी को लगा देंगे। तो ये हमने पट्टी को लगा दिया है। उसके बाद हमें 2 लटकन्स इस पर लगानी है, इस कट पर। तो इस तरह से कुछ लटकन हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बड़ी मोती डालेंगे, उसके बाद इसमें छोटी मोतियाँ डाल देनी हैं। तो मोती का ही इस तरह छोटा छोटा सा लटकन 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जितनी बड़ी रखनी उतनी मोतियाँ डाल दी है, यहाँ पर इसको इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह हमने दूसरी लटकन लगा दी है, फिर 1-2 लटकन यहाँ नीचे, इस यहाँ से हमारा लेस समाप्त हुआ है, फ्रिल शुरू हुई है, वहाँ पर ये 2 लटकन वहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से 1 बटन यहाँ पर लगा देंगे। तो बटन नहीं लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सूना सूना सा लगता है, तो यहाँ पर बटन लगाएंगे तो और ही प्यारा इसका लुक आएगा। तो इस तरह से ये स्लीव डिजाइन हमारा तैयार हुआ, बहुत ही प्यारा स्लीव डिजाइन तैयार हुआ। अब दूसरा बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी स्लीव डिजाइन बनाने के लिए हमने सिंपल स्लीव तैयार की हुई है। तैयार करने के बाद इसकी लंबाई 6 इंच है, 6.5 इंच पर हमने कट किया था और 3 इंच पर आर्म होल की गोलाई देते हुए अस्तर और कपड़े को जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर ले लेना है, हमें बुकरम ले लेना है। 3.5 इंच लिया है और इस वाली साइड से लेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और गोलाई करना है बिल्कुल गोलाई में। ये निशान हमें इस तरह से बनाना है। हमने इसका नाप भी ले लिया और इस तरह से बना लिया। थोड़ा सा एक साइड से हमने इसकी जो गहराई है वो और बढ़ा दी है। अब बीचों बीच रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा दी है, फिर साइड से भी सिलाई इस तरह लगा दिया है जहाँ से हमने ये डिजाइन का निशान किया था। सिलाई लगाने के बाद इसे इस पूरे पर कट लगाना है, और जो देखिए नीचे थोड़ा सा बढ़ाया था वो हमने नहीं लिया है। जो पहला निशान हमारा था 3.5 इंच पर वही हमारा रहेगा। थोड़ा सा और बढ़ाइए कट रखना चाहते थे, फिर नहीं रखेंगे, 3.5 इंच का ही बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये कट हमारा स्लीव के ऊपर तैयार हो गया है। अब देखिए इस तरह से हमें इस पर कपड़ा लिया है और छोटी छोटी सी चुनर देते हुए देखिए यहाँ पर
इसे इस तरह से सेट करना है। भी छोटी छोटी चुनर देते हुए हमने नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए बीचों बीच चुनर इस पर डाली है, दोनों तरफ से कपड़ा छोड़ते हुए बीचों बीच चुनर डाल देना है। अब साइड से जब इसको सेट करेंगे तो यहाँ पर चुनरें को अच्छे से बनाते जाएंगे। आप चाहें तो पहले बाहर भी बना सकते हैं, उसके बाद इस पर सेट करें। तो हम सेट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे चुनरों को भी। तो इसे लगाने के बाद अब देखिए हमें इस तरह से कपड़ा लेना है, एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इस कपड़े से फ्रिल तैयार करनी है। तो सिंगल लेयर में ही ये इस तरह से कपड़ा लिया है हमने। आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं, अगर कपड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आप डबल फोल्ड करके ले लें, सिंगल लेयर की भी फ्रिल अच्छी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से फ्रिल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डोरी ली है और डोरी को कट कर लिया है डेढ़ डेढ़ इंच की, और इस तरह इसको लगा दिया है। उसके बाद इसे इस डिज़ाइन को लगाने के बाद नीचे वाली साइड से रखते हुए हम फ्रिल को लगा देंगे। तो ये हमने फ्रिल लगा दिया। उसके बाद इन डिज़ाइनों पर हमें एक एक मोती लगा लेनी है, पूरी ही डिज़ाइन पर एक एक मोती इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए लेस लेना है और इस तरह से लेस को लगा देना है। तो इस पर हमने मोतियाँ लगा दी है डोरी वाली डिजाइन पर, और उस पर लेस लगा दिया है। अब हमें इस पर लटकन्स लगानी है। यहाँ पर देखिए दो लटकन्स लगाएंगे। तो इस तरह मोतियों की हमने लटकन्स बना ली है। एक बड़ी मोती डालना है, फिर छोटी मोती डालते हुए इस तरह से लटकन बना ली है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लगाएंगे। तो हमने लटकन्स लगा दी। उसके बाद यहाँ पर जो चुनरें दी है बीचों बीच जहाँ से सिलाई डाली है इस तरह से मोती लगा देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मोतियाँ लगा दी है। ये स्लीव डिजाइन हमारा तैयार हुआ। तीसरा बनाना बताएंगे। तब देखिए हम तीसरे स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई लिए हमने 8 इंच और 3 इंच लिया है आर्मोल की गोलाई के लिए। अब इस तरह से कट करेंगे और थोड़ा सा इस वाली साइड से भी तिरछा करते हुए कट कर देंगे। उसके बाद इसे कपड़े पर रख के कट करेंगे और नीचे वाली तरफ से लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। अब ऊपर से भी 1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद गोलाई देने के बाद इस तरह से हमें डिजाइन का निशान यहाँ पर कर लेना है। अब कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको फैला कर रखना है और जहाँ से ये निशान किया है डिजाइन का वहीं से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर देंगे। तो ये कट कर दिया, पूरे पर ही इस तरह से कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगाकर इसे अंदर की तरफ पलट दिया है। उसके बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देना है। तो ऊपर से हमने इस तरह से सिलाई लगा दिया है। अब साइड से भी सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब हमें इस पर जो डिजाइन बनानी है उसे तैयार करना है। तो यहाँ पर लिया है सीधा कपड़ा और इसे हम पट्टी तैयार करेंगे। तो सिलाई लगा दी है, उसके बाद इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरह से पलट कर सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कट करना है हमें 1.5 इंच की, या थोड़ी सी बड़ी भी कट कर सकते हैं, 2 इंच की भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लगाना रहेगा। अब यहाँ तक लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम छोड़ेंगे। यहाँ पर ये दोनों पार्ट जॉइंट होंगे। तो थोड़ा सा छोड़ने के बाद इस कट पर भी हमें इस तरह से लगा लेना है। अब इस साइड एक दूसरे के सामने ही मिलाकर रखते हुए लगाएंगे। जितनी डिजाइनें उस साइड लगी हैं ठीक उसी के सामने इस साइड भी उतनी ही लगेंगी। तो इस तरह हमने लगा दिया है। दोनों तरफ बराबर से लगाने के बाद अब डोरी लेंगे। गोल्डन डोरी यहाँ पर हमें लेना है। तो गोल्डन डोरी हमने ले लिया है। अब देखिए नीचे वाली साइड से डोरी को पहले डाल देंगे,
फिर ऊपर जो डिजाइन जो उन डिजाइनों में डालनी रहेगी उसे अलग से डोरी लेना होगा। तो यहाँ पर पहले इन डिजाइनों में डाल देंगे, तो पूरे डिजाइन में इस तरह से डाल देना है। तो इन डिजाइनों में भी हमने डाल दिया है। अब इन डोरी पर हमें लटकन लगा लेनी है। तो अब जितनी बड़ी रखनी है उतनी डोरी लेनी है, बाकी कट कर देना है। उसके बाद इस पर दोनों पर लटकन को हम इस तरह से लगा देंगे, कपड़े की लटकन लगाएंगे इस तरह से, इसको लगा देना है। लटकन को अच्छे से यहाँ पर देखिए इस तरह से निकाल लेना है। तो ये हमने लटकन लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ना रहेगा। पहले इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए दोनों साइड से अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें इन डिजाइनों के जो ये डोरी से जो ये पट्टी वाली डिजाइन है डोरी के नीचे से हमें एक एक मोतियाँ लगानी लेनी है पूरे पर ही। तो पूरे पर हमने मोतियाँ लगा दी है, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बांध देंगे। तो ये डिजाइन हमारा पूरा हुआ। तो इस तरह तीन बहुत ही प्यारे स्लिप के डिजाइंस हमारे तैयार हुए। तो अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।